और राखी जी कैसे हो? आप लोग मेरे को रोज कैसे पकड़ लेते हो? अरे यार ये कौन है? ये फिर ठीक है, कल का 50 बाकी है, ये 100 मेरा वन छोड़ दे। नहीं कुछ नहीं, नहीं बंद नहीं हो रहा है। प्रैंक था एक। हाँ प्रैंक था, बंद तो नहीं हो रहा। कौन किया प्रैंक? उसकी टांग तोड़ दो। सबकी दिल की धड़कनें रुक गई है, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर बंद हो गया। तो उससे अच्छा तो फोन भी बंद कर देना चाहिए ना। हाँ फोन काम का ही। तो फोन का क्या, अपनी खुद की शक्ल देखने के लिए फोन थोड़ी रखेंगे। सो बैड यार। छोटू मुझे उधर क्यों पकड़ लिया यार? मैंने आप लोग को बोला ये मैं यही मेरा एक अड्डा है तो इधर ही आने का करके। कहीं कोई सामान नहीं मिल रहा, सारी दुकानें बंद है। उदय जी को बोलिए लॉकडाउन खोलिए। हाँ उदय जी, अभी मुंबई में तो कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना ना अभी है नहीं यहाँ पे। उद्धव जी मुंबई खोल दो ना प्लीज़, ताकि हमारी भी रोजी रोटी शुरू हो जाए, हम भी शूटिंग करें, हम भी कोई काम करें। घर में बैठ बैठ के सिर्फ मोटे हो रहे खा खा के। शूटिंग भी बंद है, सब बंद है। उद्धव जी कब खोलोगे मुंबई? आप मुझे अपॉइंटमेंट दो, मुझे आपसे बात करनी है। उद्धव जी छोटू मत कर यार वो बेचारों को, वो बीएमसी वाले तो समझ यार। तूने देखा कैसे भगाया? भगाया नहीं यार, वो अलाउड नहीं था उधर। अरे मैं हमेशा जाती हूँ, मुझे क्या पता तू शूट करेगा। मुंबई के लोहड़ वाला के सारे रास्ते तो आप लोग को पता है, मैं किसी भी रास्ते से गुजर जाओ पकड़ लेते हो तुम लोग। राखी जी किधर है? बालों में। ये राहुल वैद्य है और ये अली गोनी है, मेरे दोस्त दोनों। कल आपका गाना भी आ रहा है? हाँ कल रिलीज हो रहा है, कल है ना? हाँ 27 कल। हाँ बहुत अच्छा। मुझ में अली 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 गाना मैंने ही लिखा था, मुझे याद है। अली भाई बहुत अच्छे यार, अली बहुत अच्छा लड़का है। अली बहुत, जैस्मिन भी बहुत अच्छी है। वो बिग बॉस में रहते तो इंसान से गलतियाँ हो जाती है भैया। नाक मेरी टूटी है तो मैंने माफ कर दिया, सबने माफ कर देना। अच्छा वो असली में टूटी थी क्या? ऑफ कोर्स, उधर टांके लगे हुए ना। अच्छा मेरा नाक सर्जरी है ना। तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं नहीं, मैं कश्मीर में गई थी, शूटिंग हुआ था कश्मीर में, वहाँ पे स्नो में गिर गई थी। अच्छा। तो वहाँ से मेरा बैग ये यहाँ पे पूरी चोटें आई है यहाँ पे। अरे बाप रे। और नाक टूट गया था, पूरा बॉडी डैमेज हो गया, मेरा पूरा बॉडी डैमेज है, बट मेरे यीशु नासरी ने मुझे बचा लिया था। यीशु नासरी, जीसस क्राइस्ट, हम लोग यीशु नासरी कहते हैं। देखो ना इज़राइल कभी हार नहीं पाएगा देखना, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुए थे बड़े बड़े नबी, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब, यूसुफ, जीसस क्राइस्ट। आप लोग इतिहास नहीं देखते हो ना, सिर्फ पानीपुरी गली कुचे में खा जाए, बर्गर और पानीपुरी खाता रहता है। थोड़ा इतिहास तो पढ़। मैं नहीं खाता हूँ पानीपुरी। इतिहास पढ़ो, ये जितने भी बड़े नबी जो है इतने हजारों सालों से वो इज़राइल में पैदा हुए। ये देखो फेक लोग मुंबई पुलिस का मार्च लगाया। तो वहाँ पे इतने नबी पैदा हुए तो इज़राइल कभी हार नहीं सकता। क्या बात है, तू भी ये भी मीडिया रिपोर्टर बन गई है देखो। ये भी सवाल पूछती है। हां ये भी आजकल सवाल भी ले लो, मैं मन से उसके साथ भी करूं। आ जाओ हमको भी ले लो साथ, उसको भी आ जाओ। तू थोड़ा जाओ एक से हाथ रख पहले। फिर आ रहे हैं, अच्छे लोग हैं।
देखो एक बात बोलूँ, मुझे बचपन से ही एडिटिंग, आप मेरी किसी भी शूटिंग पे देख लो, कॉफी से मैं इतनी एडिटिंग हूँ, और मैं पूरे दिन में एक बार घर में बाहर नहीं निकलती हूँ ना, सैटरडे संडे तो निकलती ही नहीं हूँ, पर एक बार भी घर से बाहर नहीं निकलती हूँ ना, मुझे तो ट्रॉमा आ जाता है। बट मैं निकलती हूँ पूरा सुरक्षित, सुबह से 10 बार तो मैं सैनिटाइजर से हाथ धो चुकी हूँ, मैं आजकल मेरे नहाने के पानी जो है उसमें सैनिटाइजर डाल के नहाती हूँ, मैं खाना खाने से पहले सैनिटाइज, सोने से पहले सैनिटाइज, टॉयलेट जाते तो सैनिटाइजर, हाँ क्या हुआ सैनिटाइजर तो धोने का सैनिटाइजर से धोने का, तब क्यों सर गलत क्या बोला मैंने? यू नेवर नो ना, ये कोरोना कौन से मेकअप हो गया मैडम, बॉडी के कौन से पार्ट से आ जाए, आजा मेकअप हो गया, ये भी सवाल पूछेगी अभी। ये कॉफी में पूरा मुझे हमेशा इतने सालों से, काफी सालों से कॉफी देती है मुझे, दो तीन सालों से, अभी ये रिपोर्टर भी बन गई है, सवाल करती है कहाँ गए जिन्होंने मेरी तस्वीर बनाई थी, मुझे अभी मेरा सपना आया था मुझे कि मुझे रो एजेंट बनना है, रो एजेंट, रो एजेंट मालूम है क्या होता है? एजेंट करता है, अरे एजेंट प्रॉपर्टी बेचते, वो नहीं, एक रो टाइगर, मुझे रो एजेंट बनना है, सलमान भाई, सलमान भाई एक टाइगर, सलमान खान की फिल्म देखकर ही मुझे ये ख्याल आया कि मैं देश के लिए कोई काम करूं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहती हूँ कि एक रो एजेंट यहाँ है, आप मुझे किसी भी देश में भेज सकते हो, मैं खुफिया तरीके से सारे पोल खोल के लाऊंगा। राजा मूवी देखा, कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म है, ये गंदे लोग हैं जो राजा मूवी के बारे में फालतू बातें करते हैं, सलमान खान 100 बार एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उनको पता है कि ये कौन सी हीरोइन सिलेक्ट होगी इसमें, और उनको पता है कि ये किसकी आवाज़, यूलिया है ना, लुलिया लुलिया नहीं, हाँ वही है लुलिया वंतूर, यूलिया मैं मिली हूँ उनको सलमान जी के साथ, उनके हम लोग मिले थे, मेरी फ़ोटो भी मैंने पोस्ट करती, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छी आवाज़ है, हिंदी पूरी सीखने की कोशिश कर रही है, और डेफिनेटली सलमान जी जिसको प्रमोट करें वो अच्छी बात हो सकती है। देखो के आर के अपना भाई है, बहुत अच्छा बंदा है, बट के आर के भाई आपको सलमान खान के फिल्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, अगर देखा जाए तो आपकी वो जो एक फिल्म थी ना, कौन सी थी, देशद्रोही भाई, अगर आप एक बार देखे तो आपको समझ में आएगा, कोई फ्री में भी वो फिल्म नहीं देखेगा, तो भाई सलमान भाई के बारे में ऐसा मत बोलो ना आप, वो बंदा कितना मेहनत करता है, बैन हो गया, वो कितना मेहनत करता है सलमान भाई, दोस्तों अपने एक्शन खुद करता है, इतना लोगों को फिल्मों में जो काम करते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सलमान खान की फिल्म में किसी का पैसा बाकी रहा हो, मैं अभी वेब सीरीज करके आई, मेरे पैसा अभी तक नहीं मिले, किसी ने दिए नहीं है, अभी प्रोड्यूसर है, वेब सीरीज पूरे लखनऊ में करके आई, मेरे पैसे नहीं मिले, मैंने उनको फ़ोन भी किया कि मेरी माँ को ऑपरेशन है भाई, मेरे को मेरे पैसे दे दो, दे नहीं रहे, सलमान भाई से बात नहीं किया, अरे छोटी छोटी बात में सलमान भाई का क्या बात करने का, मैंने उनको ईद मुबारक बोला था मैंने मेरी माँ ने, और उनको सताने का बात मतलब नहीं है ना, हम सलमान जी के सिपाही है, हम खुद ही लड़ लेंगे केआरके से, केआरके तू मेरा भाई है, तू अच्छा आदमी है, लेकिन अब मैं लड़ूंगी क्योंकि तुमने सलमान खान से पंगा लिया है, हाईकोर्ट से उनका नोटिस भी मिला है, बॉम्बे हाईकोर्ट से नोटिस भी मिला है, अगर वो सच्चे मन से सलमान भाई से माफी मांगेंगे ना, सलमान भाई का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ कर देंगे, केस वापस ले लेंगे, कल मैं और एक रिव्यू डालूंगा मूवी के रिलेटेड, नहीं यार तू कौन सी गलत न्यूज़ देख के, वो अपील कर रहे हैं सलीम साहब को कि केस वापस ले ले, अभी सलमान खान की मूवी है कोई रिव्यू नहीं दे, हाँ बेटर है केआर के भाई, आप मेरे भाई हो और आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको जानती हूँ, 4 बंगले में आपका घर है, मैं आपके घर के पार्टी में भी आई हूँ, बस यही है कि सलमान भाई की फिल्म के बारे में ना भूले,
क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं वो अपनी बॉडी देखो, आज भी कितने साल के हो गए, एक एक हीरो की बॉडी देखो ऐसे झुलक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सूझ जाते हैं। सलमान जी की बॉडी देखो आज भी सिक्स पैक है, इतना मेंटेन करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी पर फिल्म लाते हैं। आप कितना भी सलमान भाई की फिल्म के बारे में बोलो, लेकिन उनकी उनको पूरे देश की जनता, पृथ्वी की जनता उनको बहुत पसंद करती है, उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। और मैं, मेरी माँ की दुआएं तो हमेशा रहेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी माँ दी है। कुछ मैं बोलना, क्योंकि अभी मिका जी भी भाई की फिल्म के पास गाने वाले हैं। भाई इज द बेस्ट, भाई इज द बेस्ट। माँ का ऑपरेशन कर पूरा, माँ को एकदम जिंदा कर दिया। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैं देख के मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैंने हाथ हिलाया आपको देख। अभी हम लोग दोस्त हैं भाई, गाइस मैं कहना चाहती हूँ अगर बिग बॉस चला है तो बिकॉज ऑफ राखी। यस यस, क्या बात है, क्या बात है। अरे 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 बाजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ देश वालों से कि कहाँ पे भी कुछ भी महामारी हो, बाढ़ आए, ये जो सिंग इज किंग होते हैं ना, ये इतने बड़े दिलवाले होते हैं ना, बाहर निकल के सबकी और सेवा करते हैं, खाना बांटते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आप भी करते हो बाजी, अभी भी कर रहे हैं। जब भी यहाँ तो वहाँ पे है घर, ओ बड़ी वाली बिल्डिंग।